वेलकम टू द लर्न एंड प्रेप आई एम साक्षी गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं आर इन्वायरमेंट यानी कि हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है कौन कौन से सिस्टम होते हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं तो इंट्रैक्ट करके किस तरीके से उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं तो हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में आर एन्वायरमेंट में सो लेट लेट्स इस्टार्ट तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट uh, क्या होता है तो जहाँ अबायोटिक और बायोटिक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कम्पोनेंट साथ में रह रहे हैं और एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हमने बोला इन्वायरमेंट एवरी थिंग इंक्लूड्स बहुत लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि लिविंग को तो हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स तो जहा लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग के साथ या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं उस सिस्टम को हम बोल रहे हैं इन्वायरमेंट नेक्स्ट है इंट्रैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इको अब जहां इनका इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया इकोसिस्टम और इसकी इको uh, सिस्टम की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक तो इंट्रेक्शन बिटवीन द फॉर्म एन इकोसिस्टम और इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन ईच अद अब वो इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है या तो वो उनके सर्वाइवल के लिए हो फूड के लिए हो या फिर uh, कोई और जो भी कंपोनेंट होता है जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी उस चीज़ के लिए हो विच गिव राइज टू फूड चेन एंड फूड वेब्स इन नेचर अब जो फूड चेन है और फूड वेब है ये किस चीज़ के लिए होती है ये एनर्जी के लिए होती है यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है या नेचर पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है खुद की एनर्जी के लिए जो कि रिक्वायरमेंट है उसकी प्रोसेस के लाइफ प्रोसेस में जो भी प्रोसेसेस आती है लाइक like रेस्पिरेशन हो गया उसका फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट्स की बात करें और ह्यूमंस की बात करें तो रेस्पिरेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया या जो भी उनकी लाइफ प्रोसेस होती हैं तो उनके लिए उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी फूड वेब या फूड चेन के थ्रू या तो एन्वायरमेंट से लेंगे फूड फूड चेन और फूड वेब कहाँ पे क्रिएट हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर एक इकोसिस्टम के अंदर सो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज डिप्लून ऑफ ओजोल लेर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज तो आने वाले कुछ समय बाद क्या होगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यानि कि कुछ भी जो ह्यूमन uh, कर रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजो uh, लेयर का डिपल्यूशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या गार्बेज जो है उसका अमाउंट बढ़ रहा है क्योंकि uh, जो ह्यूमस है बहुत ज़्यादा uh, जो है गारबेज क्रिएट करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इको सिस्टम तो इको सिस्टम हमने अभी बोला था कि हाँ जहाँ पर नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स एक साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं इको सिस्टम तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टूगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इको सिस्टम तो जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ने इंटरेक्ट किया और एक सिस्टम फॉर्म कर लिया लाइक like अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया अब यहाँ क्या हो रहा इस है इस एग्जाम्पल में ये जो पिक्चर है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स भी हैं प्लांट्स भी हैं अब प्लांट्स भी जो डेप्थ में होंगे जो प्लांट्स उन तक लाइट नहीं पहुँचेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ना उनका रेस्पिरेशन होगा ना वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं यह जो ये बॉटम में आ,

अब नेचुरल इकोसिस्टम में तो हमने ले लिया पोन को ले लिया या फॉरेस्ट को ले लिया क्योंकि ये नेचुरल होते हैं और यहाँ पे क्या है सर्वाइवल यहाँ जो रेगुलेशन हो रहा है इनकी एक्टिविटीज का जो भी ऑर्गेनिज्म है या लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स है तो जो इनका इंट्रैक्शन हो रहा है इनको कौन रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे अगर नेचुरल इको की बात करें तो इनको रेगुलेट करने वाला होता है नेचर लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इको की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे कि हो गया एक्वेरियम लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर रहा है वहाँ की एक्टिविटीज कौन एक्टिव कौन कर रहा है कंट्रोल रेगुलेट कौन कर रहा है एक्टिविटीज को वो है ह्यूमन तो अगर हम एक्वेरियम की बात करें तो ये हो गया एक सिस्टम और इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है या यहाँ हमने वाटर लिया वाटर ये हो गया यहाँ का एनवायरमेंट यानी कि वाटर का जो टेम्परेचर होगा जो भी यहाँ पे इसके फैक्टर्स होंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स या कॉल्ड है हॉट है टेम्परेचर वगैरह जो भी चीजें हैं अब इसका जो इन्वायरमेंट हो गया वाटर वाटर के साथ जो भी चीजें इंटरेक्ट कर रही है यानी कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गए ऑर्गेनिज्म और ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ के टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट और यहाँ ऑर्गेनिज्म हो गया लिविंग कंपोनेंट यानी कि टेम्परेचर हो गया बायोटिक कम्पोनेंट अबायोटिक कंपोनेंट और यहां ऑर्गेनिज्म होंगे बायोटिक कंपोनेंट तो इसको बोला हमने इकोसिस्टम ये पूरा क्या बन गया एक इकोसिस्टम पे अब मैनमेड में क्या हुआ कि इन्वायरमेंट एक ह्यूमन ने क्रिएट किया वहां पे जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो ह्यूमन ने क्रिएट किए और ऑर्गेनिज्म को यानी कि लिविंग कंपोनेंट को उसमें पुटअप किया और देखा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसी स्टडी को हमने बोला इकोलॉजी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम जैसे कि अभी मैंने बताया दो तरह के होते हैं एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है मैनमेड इकोसिस्टम होता है तो जैसे कि हो गया क्रॉप फील्ड एक्वेरियम गार्डन अभी हमने एक्वेरियम का एग्जाम्पल देखा था नेचुरल इकोसिस्टम में एक इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन यानी कि जिसको रेगुलेट जो कर रहा है वो नेचर ही है जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर रेगुलेट हो रही है वो नेचर के थ्रू हो रही है अगर नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल देखें तो फॉरेस्ट लेक ओशन हो गया लेकिन आर्टिफिशियल का देखें तो क्रॉप फील्ड एक्वेरियम गार्डन जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड किए गए ह्यूमंस के थ्रू नेक्स्ट है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका क्लासिफिकेशन है तो आर्टिफिशियल में हमने देखा कि क्रॉप एक्वेरियम गार्डन ये सब आ गए नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो इसको भी दो क्लासेस में डिवाइड किया है टेरेस्ट्रियल एंड एकवेटिक जहाँ वाटर की बात करते हैं तो वो हो गया एकवेटिक इकोसिस्टम लेकिन जहाँ लैंड की बात करते हैं तो वो हो गया टेरेस्ट्रियल इको अब टेरेस्ट्रियल इको कितने तरह के हो सकते हैं ये हो गया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। सिस्टम अब अलग अलग चीज़ें होती है मतलब लाइक अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ मिट्टी है अब मिट्टी है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है अलग अलग, अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया ग्रास फॉरेस्ट डेजर्ट नेक्स्ट है एकवेटिक इकोसिस्टम तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हमने क्लासीफाई किया है कि वो फ्रेश वाटर है कि सलाइन वाटर है यानी कि सलाइन वाटर को अगर हम देखें तो कहाँ होता है ओशियन में तो ओशन वाली चीज को हम बोल देते हैं मेराइन इकोसिस्टम जहाँ सेलिनिटी ज्यादा होती है और जहाँ सेलिनिटी कम है या प्रेजेंट ही नहीं बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम नेक्स्ट है कि इको सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं अब कंपोनेंट्स में अभी हमने बात करी थी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के तो अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दो तरह के होते हैं ये होते हैं क्लाइमेटिक और फिजिकल फैक्टर्स एक हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स दूसरा हो गया फिजिकल फैक्टर्स तो अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हो गया टेम्परेचर हो गया लाइट हो गया अगर हम क्लाइमेटिक सॉरी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइट हो गया टेम्परेचर हो गया लेकिन अगर फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं एयर हो गया वाटर हो गया लैंड हो गया और नेक्स्ट देखते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो थे वो सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे अब बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो लिविंग कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आते हैं प्लांट्स या एनिमल्स तो अब प्लांट्स और एनिमल्स को भी हमने कर दिया क्लासीफाई कि कौन किस पर फीड कर रहा है यानी कि अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स पर एनिमल्स फीड करते हैं प्लांट तो एनिमल्स पर फीड कर नहीं सकता है तो हमने प्लांट्स को क्या बोल दिया यहाँ पे प्रोड्यूसर अब प्लांट्स को जो फीड कर रहे हैं यानी कि प्लांट्स को जो खा रहे हैं उन एनिमल्स को हमने बोल दिया कंज्यूमर्स नेक्स्ट है डीकम्पोज तो अब जब कंज्यूमर्स एक टाइम आता है जब डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म जब होते हैं तो उनको डिकम्पोज कौन करता है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको जो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो है डीकम्पोज अगर हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं या तो कंज्यूमर्स जो हैं चार तरह के होते हैं अगर हम हर्विवर्स की बात करते हैं तो ये वो एनिमल्स हैं जो प्लांट पर फीड करते हैं ओनली अगर हम कार्निवोर्स की बात करते हैं तो कार्निवोर्स वो हैं जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं यानी कि वो प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट नहीं है वो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं ठीक है नेक्स्ट है ऑमनीवर्स ऑमनिवर्स वैसे वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे कर सकते हैं फीड तो पैरासाइट्स पैरासाइट्स भी जो हैं इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो ये भी इसी तरीके से मतलब कि ये ह्यूमंस को यूज़ करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए लाइक पैराटा पैरासाइट्स भी दो तरह के होते हैं ये एक्टोपेरासाइट्स भी होते हैं और एंडोपेरासाइट्स भी होते हैं तो पैरासाइट्स जो हैं वो या तो जो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं अगर बाहर रह रहे हैं तो उनको हम एक्टोपेरासाइट बोल रहे हैं और बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो उसको हम एंडोपेरासाइट uh, बोल रहे हैं जो कि ये, ये इनके फूड के लिए जो है ह्यूमन बॉडी डिपेंड रहते हैं या किसी अब हैं। तो, देखते हैंचर एक्सेट्रा फॉर्म द अबायोटिक कम्पोनेट्स तो इन सब कंपोनेंट्स को हमने बोला नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी है उनको हमने बोल दिया अबायोटिक कंपोनेंट्स नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स तो ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया फंजाई एक्सेट्रा फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स अब ये सब क्या है लिविंग कंपोनेंट्स, फंजाई बैक्टीरिया ये सब किसकी क्लासेस हैं? ये सब प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्लासेस है तो अगर हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया को भी हमने आर बैक्टीरिया और यू में डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ हम देखते हैं कि फंजाई हो गया फंजाई किसका किसके उसमें आता है प्लांट्स के उसमें आ जाता है अगर प्रोटिक्स की बात करें तो यह इन्वर्टिप्रेट्स होते हैं ये एनिमल्स में आ जाते हैं एनिमल्स की बात करते हैं तो ये डॉग हो गया आर के बैक्टीरिया हमने बोला कि यह भी बैक्टीरिया की ही क्लास है तो ये एक तरीके से बैक्टीरिया ही होता है और बैक्टीरिया जो यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कम्पोनेंट्स आर फर्दर डिडेड इन अब हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो है बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया अभी हमने पढ़े थे कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स ऑमनीवर्स कार्डिवर्स तो इन्हीं में हमने इसको डिवाइड किया है न्यूट्रिशन के बेसिस पे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं जैसे कि मैंने बताया था हमने प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला है क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं और ये किसी और पर फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते

क्या है कि इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स तो ये इनके कंज्यूमर्स uh, क्या है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे यानी कि प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड तो ये फूड के लिए डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पे एग्जाम्पल है कंज्यूमर्स का जैसे रैबिट हो गया रैबिट ग्रास खाता है काउ हो गया काउ ग्रास खाती है अगर बात करें यहाँ पे प्लांट्स की तो प्लांट्स में बीजी हो गया और भी प्लांट्स हो गए नेक्स्ट है किसको बोला था वहां पे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट है

डिविज़न ऑफ कंज्यूमर्स अब कंज्यूमर्स को भी हमने क्लासीफाई uh, किया था हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा था कि हमने कंज्यूमर्स को क्लासीफाई किया था किसमें में हार्बीवोर में किया था कार्डिवोर में किया था ऑमनी वोर में किया था पैरासाइट्स में किया था तो हम देखते हैं कि हारबिवोर्स क्या हैं तो ये हार्बीवोर्स है प्लांट ईटर्स हमने बोला अब हमने बोला कि कंज्यूमर्स को हमने क्लासीफाई किया है तो डिविज़न uh, किया है उसका कि तो अब ये डिविज़न जो है किस बेसिस पे है अब हरवी को हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि ये किसको खा रहे हैं जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था यानी कि प्रोड्यूसर्स तो अब प्राइमरी कंज्यूमर्स जब प्लांट ईटर्स हैं यानी कि ये प्लांट को खाएंगे तो मतलब जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था उन्हीं को खा सकते हैं तो एग्जाम्पल हो गया गोट हो गया डियर हो गया काउ हो गया और भी एग्जाम्पल्स एलिफेंट्स हो गया रेबिट हो गया कार्निवोर्स की बात करें तो ये हो जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे हर भी पे तो जब ये हरबी वॉर्स पे डिपेंड कर रहे हैं यानी कि कार्डिवर्स जो है किसको फीड कर रहे हैं हरबी वोर्स को यानी कि ये फ्लैश ईटर्स है यानी कि इनको एनिमल ईटर्स भी बोल सकते हैं एग्जाम्पल हो गया टाइगर क्रोकोडाइल अब जब ऑबनीवर की बात करते हैं तो ये ट्रॉफिक लेवल या तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी कंज्यूम कर सकता है ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल भी कंज्यूम कर सकता है यानी कि इसको किसी भी पोजीशन पे रखा जा सकता है क्यों क्योंकि ये ये दोनों तरह की चीजें खाता है ये प्लांट भी खा सकता है ये एनिमल भी खा, खा सकता है जैसे कि होगा ह्यूमंस नेक्स्ट आता है, है पैरासाइट्स पैरासाइट्स तो पेरासाइट्स को अगर बात करें अभी हमने बोला कि ये पैरासाइट्स जो है या तो बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के बाहर रहेंगे अगर बॉडी के अंदर रहते हैं तो हम इसको एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं लेकिन अगर बॉडी के बाहर रहते हैं यानी कि स्किन पर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपेरासाइट्स तो लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट यानी कि हम हो गए होस्ट तो एंड टेक फूड फ्रॉम इट एग्जाम्पल हो गया जैसे लाइस कैसकेटा अब डिकम्पोजर्स की बात करें डी हमने अभी देखा कि वो uh, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डिकम्पोज कर रहे हैं यानी कि uh, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कंपाउंड उनको सिंपलर में कन्वर्ट uh, कर रहे हैं तो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जाम्पल हमने बोला था कि बैक्टीरिया है फंजाई है वर्म्स है ये सब क्या करते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अब रिप्लेनिशमेंट कैसे हुआ कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो गया अब ये क्या करेंगे कि जो नेचर की चीज़ है वो नेचर को पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वापस से नेचर की चीज़ को नेचर में ही पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम किससे बने हुए हैं नेचर से करते हैं फूड चेन से कि फूड चेन क्या होती है अब फूड चेन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे पर डिपेंड कर रहा है फूड के लिए यानी कि लाइक प्लांट्स हैं प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं ग्रास ऊपर या इंसेक्ट्स या काओ एनिमल्स जो भी हो गए जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं तो इनको बोला हमने कंज्यूमर प्लांट्स को बोल दिया प्रोड्यूसर अब इन पर जो डिपेंड कर रहे हैं उनको बोल दिया हमने सेकेंडरी कंज्यूमर अब प्राइमरी कंज्यूमर पे कौन आ गया हर्बीवोर हर्बीवोर जो किस पे डिपेंड कर रहे थे प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो गए ये जो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी क्योंकि ये तो डिपेंड है प्लांट्स पे और ये किस पे डिपेंड है इन पे तो ये इनडायरेक्टली पे डिपेंड हुए प्लांट्स पे तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग हो गया ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं एक फूड चेन बना रहे हैं होगा नहीं कि प्लांट्स जो है एनिमल्स को खा रहे हैं। एनिमल्स ही तो प्लांट्स को खाएंगे उसके बाद स्नैक स्नैक की बात करते हैं तो इसको टर्शियरी कंज्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये फ्रॉक को ईट करेगा क्वार्टरनरी की बात क्वाटरनरी कंज्यूमर कौन होते हैं ऑल हो okay, हो गया गए या जो भी हाई ट्रॉफिक लेवल एनिमल्स हो गए तो ये सब क्या ये सब क्या क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में एक फूड चेन क्रिएट कर रहे हैं यानी कि फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है नेक्स्ट है कि फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एज फूड जैसा कि हमने अभी देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है

एनर्जी भी ट्रांसफर कर रहे हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि जब प्लांट्स को ये खाएंगे प्लांट्स कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ सन है सन से ये लाइट ले रहा है और लाइट लेकर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है अब जब ये फॉर्मेशन कर रहा है तो ये आ, आ, जो, जो ये एनर्जी इसके पास है इसके टेन परसेंट ये आगे ट्रांसफर करेगा क्यों क्योंकि आ, जो नाइन्टी परसेंट एनर्जी है इसमें से कुछ तो ये इसकी लाइफ प्रोसेस के लिए इसने यूज़ कर ली लाइक फोटो के लिए रेस्पिरेशन के लिए तो ये इसने अपनी एक्टिविटीज़ के लिए 90 परसेंट यूज कर ली और कुछ जो है ट्रांसफर में लॉस हो गई तो यहाँ तक जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी पहुँचती है वो होती है ओनली टेन परसेंट एनर्जी लाइक अगर सन से इसको मिल रही है या ये जो इसका सन से इसको मिल रही है बहुत सारी एनर्जी और उसका ये जो कंज्यूम करेगा प्लांट वो ओनली वन परसेंट कंज्यूम करता है लेकिन लाइक like यहाँ पे आई टेन थाउजेंड जूल एनर्जी तो आगे जो ट्रांसफर होगी यानी कि नेक्स्ट लेवल पे तो वो कितनी होगी वन थाउजेंड अब तो क्योंकि टेन थाउजेंड का टेन परसेंट कितना हुआ वन थाउजेंड अगर यहाँ पे बात करें कि इसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी पहुंचेगी तो यहाँ होगी हंड्रेड जूल क्योंकि इसका टेन परसेंट कितना हो गया हंड्रेड जूल क्योंकि बाकी जो है उसने खुद की एक्टिविटीज में भी यूटिलाइज कर ली तो इस तरीके से इस एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लाइक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक या जो प्रोड्यूसर से हरवी बोर्ड तक हरवी वोर्ड से कार्डी वोड तक तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रॉफिक लेवल यानी कि ये एक लेवल हो गया यानी कि ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल और ये हो गया फोर्थ ये हो गया फिफ्थ नेक्स्ट है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है यूनी डायरेक्शनल होती है जैसा कि मैंने बताया ऐसा तो होगा नहीं कि जो प्लांट है वो एनिमल को खाएंगे तो ये जो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है लाइक uh, like, इस पिरामिड में भी देखें तो जैसे ये सन से uh, इसको एनर्जी मिल रही है प्लांट्स को अगर त, uh, यहाँ पे थर्टी थाउजेंड जूल एनर्जी मिल रही है इसको प्रोड्यूसर्स को यानी कि प्लांट्स को ये इतनी जो, जो एनर्जी ये फॉर्म कर रहा है तो जो और जो इतनी एनर्जी आ रही थी इसमें से इतनी तो जो है लॉस्ट हो गई जब ट्रांसफर हुआ इतनी इसने ले ली अब जब ये नेक्स्ट पे ट्रांसफर कर रहा है तो जो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड जूल है ये एनर्जी तो लॉस्ट हो गई और बाकी इसने यूटिलाइज कर ली उसके बाद जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई वो हुई थ्री थाउजेंड यानी कि ओनली टेन परसेंट जो एनर्जी ट्रांसफर हुई अब जब प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को कर रहा है तो यहां पे भी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का ओनली टेन परसेंट ट्रांसफर हो रहा है यानी कि ट्वेंटी सेवन हंड्रेड जूल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का टेन परसेंट जो है इसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि ये क्या फॉर्म कर रहा है अगर इस पिरामिड को देखें तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये हो गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और ये हो गया थर्ड ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का ग्रीन प्लांट्स कैप्चर वन परसेंट ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स ने यहाँ से कैप्चर किया ओनली वन परसेंट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड एंड कन्वर्ट इट इंटू फूड एनर्जी और इसको कन्वर्ट किया फूड एनर्जी में अब टेन परसेंट लो के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर हो रही है ओनली टेन परसेंट एनर्जी हो रही है तो टेन परसेंट लो यही कहता है कि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगी वो टेन परसेंट एनर्जी होगी ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल द रिमेनिंग नाइनटी परसेंट एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल यानी कि प्रेजेंट ट्रॉफिक लेवल ये हो गया अब इसमें जो यूटिलाइज हुई उसके बाद जो आगे ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी है ओनली टेन परसेंट बाकी नाइनटी परसेंट जो है इसी लेवल पे यूटिलाइज हो गई और कुछ लॉस्ट हो गई एज ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेंस थ्री फोर ट्रॉफिक लेवल थ्री भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं फाइव भी हो सकते हैं जैसे कि हमने अभी जो फूड चेन थी वो फाइव ट्रॉफिक लेवल की देखी थी नेक्स्ट है ट्राफिक लेवल डिक्रीज इन एनर्जी अब जब नेक्स्ट मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल पे जाएगा तो यानी कि एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है तो मतलब सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी जो कि जिसने भी टॉप जो ट्रॉफिक लेवल है वो कंज्यूम कर रखा है यानी कि जिसने जिसकी भी पोजिशन जो है टॉप ट्रॉफिक लेवल पर है यहाँ पे देखो ये ओनली टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है बायोमास में डिक्रीज़ हो रहा है क्यों क्योंकि उस लेवल पे जब एनर्जी ही कम है तो एनर्जी कम है तो यानी कि वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस भी कम होंगे अब सर्वाइवल के चांसेस कम होंगे यानी कि कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए सर्वाइवल के चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि कंपटीशन होगा एक ही ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म से फूड के लिए तो इस वजह से यहाँ पे जो है बायोमास भी कम हो जाता है तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफ़र कि आ, एक ट्रॉफिक लेवल से इतनी ट्रांसफर हो रही है और उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इतनी ट्रांसफर हो रही है और टॉप जो है ट्रॉफिक लेवल वहां पे सबसे कम एनर्जी है नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल्स की जो अमाउंट है केमिकल्स का अमाउंट बढ़ जाए अब केमिकल्स का अमाउंट कैसे बढ़ेगा अगर हम बात करें क्रॉप फील्ड्स की तो वहाँ पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो हैं वो छिड़के जाते हैं और यही क्या करते हैं कि ये केमिकल्स जो है वाटर के साथ फ़्लो कर जाते हैं कहाँ पे जो हमारे वाटर सिस्टम्स है यानी कि जो लेक्स हो गई कैनाल्स हो गई तो उनके साथ क्या करता है कि फ्लो हो जाते हैं अब ये जब फ्लो हो जाते हैं तो जो वाटर है वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है जैसे कि जू प्लैंगटॉन्स हो गए जू प्लैक्टोन्स क्या होते हैं जो वाटर का सरफेस एरिया है उस पर फ्लो करते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो फ्लो कर रहे हैं या उसके सरफेस एरिया पे रहता है तो उनको हम बोलते हैं जू प्लैंगटोन्स तो अब ये जू पलैंगटोंस जब इस वाटर में रह रहे हैं तो वाटर की ही चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं यानी कि एज अ फूड ले रहे हैं अब जब ये फूड लेंगे तो इनकी बॉडी में वो जो केमिकल है वो बढ़ जाएगा अब इनको भी जो है इनका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है यानी कि स्मॉल फिशेज ये इनको जब फीड करेगी यानी कि जब ये स्मॉल फिशेज जो हैं जू प्लैंगटोज को खाएगी तो क्या होगा इनकी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ेगा जो केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड्स हैं अब जैसे केमिकल्स पेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं जैसे डीडीटी हो गया मरकरी हो गया मरकरी है तो अब ये क्या है एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं अब जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम पी एम के फुलफॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन तो जो बॉडी में कंसंट्रेशन है

टी फूड चेन अब ह्यूमन क्या है ये टॉप लेवल सिस्टम में देखें तो जो टॉप पर होंगे वो होंगे ह्यूम क्योंकि ह्यूमन्स एनिमल्स को भी खाते है और प्लांट्स को भी खाते हैं यानी कि ऑमनीवोड होते हैं तो ये जो है टॉप ट्रॉफिक लेवल कंज्यूम करेंगे तो यानी कि ये इन सब को खाते हैं तो इन सब में से किसी भी चीज को खा सकते हैं तो इनकी बॉडी में जो है सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ेगी अब जब सबसे इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो डिजीजेस होंगी इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग ऑफ फूड वेब अब हम पढ़ रहे हैं फूड फूड वेब वेब क्या होगी कि जो हमने अभी जब फूड चेन पढ़ी थी तो उसमें बोला था कि एक सीक्वेंस है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड की फूड के लिए डिपेंड कर रहा है तो अब ये क्या है कि हमने बोला था कि वो यूनिडायरेक्शनल होती है वो हो गई सिंगल फूड चेन लेकिन अगर फूड वेब की बात करें तो अब सिंगल सिंगल फूड चेन मिलकर जो बना रही है यानी कि अब इसमें क्या है कि क्या होगा कि जब फूड चेन की बात करते हैं तो जो उसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है लाइक उसके लिए लिमिटेड चीज जो है एक्सेस एक्सेस में प्रेजेंट होगी लेकिन अगर हम फूड वेब की बात करते हैं तो यहाँ एक ही चीज के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है लाइक यहाँ ग्रासेस है अब ग्रासेस को खा रहा है रेबिट भी खा रहा है माउस भी खा रहा है तो ग्रास और ऊपर ग्रास भी खा रहा है तो यहाँ क्या होगा कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा एक तरीके से तो सर्वाइवल के चांसेस जो है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो वैसे वैसे सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और कौन सी स्पीशीज रह जाती है जो उस उसमें एग्जिस्ट कर जाती है लाइक like दो फाइट्स में दो, फाइट हो रही है कि किसी भी दो टीम की और जो जीत गया तो वो ओनली रह जाता है और दूसरी स्पीशीज उस एरिया से ख़त्म हो जाती है या वहां से माइग्रेट कर जाती है तो इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पड़ते हैं तो इसमें क्या आएगा कि चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आर एक्टिविटीज चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड अस ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वेस्ट भी बढ़ता है गारबेज भी बढ़ता है अब जब ये सब बढ़ेगा या केमिकल्स बढ़ेंगे या पॉल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है अब ये सब बढ़ेंगे तो क्या होगा एन्वायरमेंट में जो है चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे, चेंजेस आएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म की बॉडी है बॉडी का जो सिस्टम है वो खराब होगा अब इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर इनमें से कोई भी लाइक एक मिसिंग हो गई स्पेशीज तो यानी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी इसके लिए ये क्या है ऑल प्रिडेटर हो गया और ये क्या हो गया प्रे तो अगर ऑल की क्वांटिटी कम हो जाती है तो यानी कि इसके सरवाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर एक भी चीज स्पीशीज जो है वो मिसिंग हो जाती है तो क्या होता है कि जो दूसरी स्पीशीज है उसकी ग्रोथ जो है एक्सेस में हो जाती है यानी कि जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है हम देखते हैं कि अब ओजोन लेयर क्या होती है तो अब पढ़ने वाले हैं हम ओजोन लेयर लेयर तो ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन लाइट प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स फ्रॉम मेनी हेल्थ स्किन कैंसर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा तो ओजोन लेयर क्या है कि अर्थ की जो लेयर्स होती है यानी कि ट्रोफोस्फेयर हो गई स्टेटोसफेयर होगी तो ओजन लेयर जो है वो स्टेटोस्फेयर में प्रेजेंट है जैसे कि हम यहाँ देखें कि ये अर्थ ये अर्थ है अर्थ के जो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में एक ट्रोफोस्फेयर लेयर होती है ये स्टेटोस्फेयर होती है इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है ये है ओजोन लेयर तो ओजोन लेयर क्या कर रही है कि जो रेडिएशंस आ रहे हैं यानी कि ये सन है सन के जो रेडिएशंस आ रहे हैं यानी कि यूवी रेडिएशंस तो उससे प्रोटेक्ट करती है किस तरीके से कि जो यूवी रेडिएशन आते हैं ये उसको एबजर्व कर लेती है अब एब्जर्व करती है यानी कि क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर कैसे मतलब अगर हम बोलें कि ओजन मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है तो ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है कि हमें पता है कि जो ऑटो uh, है यानी कि ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है ऑटो के फॉर्म में यानी कि डाएडमिक फॉर्म में प्रेजेंट है अब जब हम बात करते हैं कि यूवी रेडिएशन आते हैं यानी कि कुछ लाइट तो पहुंचेगी अर्थ तक अब जब इन्वायरमेंट में लाइट आ रही है तो क्या हो रहा है कि ये जो ओ ओ बॉन्डिंग है तो यहाँ पे जब यूवी रेडिएशन आते हैं तो ये इस बॉन्ड को जो है ब्रेक कर देते हैं अब जब ये ब्रेक कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ जाती है एटॉमिक फॉर्म में अब जब ये एटॉमिक फॉर्म में आई तो क्या हुआ कि इस एटॉमिक फॉर्म ने वापस से इट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ यानी कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया ओ3 बना दिया तो अब क्या हुआ कि ये अब्सॉर्ब कर रही है हार्मफुल रेडिएशंस को और ये हेल्थ हजार्ड्स से प्रोटेक्ट कर रही है जैसे कि स्किन कैंसर हो गया कैटरेक्ट हो गया डिस्ट्रक्शंस हो गया प्लांट्स के ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि एक तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर दैट इज स्ट्रेट्रोस्फेयर इट इज डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो ये एक तरीके से पॉइजन है जो की हम अभी आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर अभी मैंने बताया कि किस तरीके से क्या, क्या हो रहा है कि ये जो सन की रेज आ रही है ये डायटोमिक फॉर्म पे रिएक्ट कर रही है और इसको एटोमिक फॉर्म में यानी कि ये ओ मोलिक्यूल में और ओ मोलिक्यूल में यानी कि एटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है ये होती है डायटोमिक फॉर्म

तो इस तरीके से जो है ओजोन का फॉर्मेशन हुआ द हाई एनर्जी यूवी डाउन द ऑटो मॉलिक्यूल्स इन टू फ्री ऑक्सीजन यानी कि ये ऑटो मॉलिक्यूल था यूवी रेडिएशन आए ये डायटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए ये डायटोमिक है। दिस ऑक्सीजन एटम्स देन कंबाइन विद ऑक्सीजन यानी कि ऑटो मॉलिक्यूल्स के साथ ये जो डायटोमिक फॉर्म है वो कंबाइन होगी एंड मॉलिक्यूल फॉर्म द ओजोन मॉलिक्यूल तो इसने ये बना लिया ओजोन मॉलिक्यूल यानी कि ओथ्री मॉलिक्यूल नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर अब इसका डिप्लीशन कैसे हुआ कि जब सी एफ सी या जो भी यहाँ पे अर्थ से निकलने वाली गैसेज है जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो इसमें भी कूलिंग एजेंट होता है तो उसमें भी गैसेस रिलीज होती है एसीज की बात हो गई एसी में जो है गैसेस रिलीज गैसे होती, गैसे होती, गैसे होती है एरोसोल्स हो गए स्प्रेज हो गए एक्सटिंग हो गए तो ये सब क्या कर रहे हैं कि ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। डिप्लीट कैसे करेंगे क्या होता है कि डिक्रीज़ इन ओजोन डिप्लीशन जिसको ओजोन होल के नाम से जाना गया बाद में दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स लाइक सी एफ सी विच आर इन जरेटर्स एसिज फायर एक्सटिंग स्पेस एक्सेट्रा नेक्स्ट है कि uh, जो यूनेप है यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम तो इसने क्या किया कि uh, अब जब डिप्लीशन हो रहा था जब ऑब्जर्व हो गई चीज कि डिप्लीशन हो रहा है तो इसने एक लॉ निकाला या फिर इसको बोल सकते हैं कि uh, इसने एक रूल निकाला कि क्योटो प्रोटोकॉल जिसे बोला कि इसने क्या किया सक्सेडेड इन द फॉरिंग एन आर्ग्युमेंट टू स्टॉप सीएफसी प्रोडक्शन एट 1966 कि सीएफसी प्रोडक्शन को रोक दिया जाए सभी कंट्रीज में जो है ये uh, नियम लागू हुआ उसके बाद है कि ये कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन अब जब सीएफसी की वजह से ये डिप्लीट कैसे हो रही लेयर हम ये चीज देख ही क्या हो रहा है कि जब सी जो सी एफ सी है जब इसका एमिशन हो रहा था इंडस्ट्रीज से तो क्या हुआ कि इसने इसका एमिशन जो है ये ओजोन लेयर तक पहुंचा ये ओजोन लेयर है अब जब ये यहाँ तक पहुंचा जब सी एफ सी गैस यहाँ तक पहुँची ओजोन लेयर तक तो इसने क्या किया कि जो यू वी रेज है तो इसने यू वी रेज ने सी एफ सी पर रिएक्ट किया एज अ कैटलिस्ट या हीट बोले कि सी को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए हीट हीट जब इसको जब इसको इसको मिली मिली यानी कि मिले रेज तो उसने क्या किया सी एफ सी मॉलिक्यूल को तोड़ दिया अब जब सी एफ सी मॉलिक्यूल टूटा तो इसने क्या किया कि जो क्लोराइन आयंस है वो रिलीज किए अब जब ये क्लोराइड आयंस रिलीज हुए तो क्या हुआ जो ये एक्टिव क्लोरीन था इसने रिएक्ट किया किसके साथ जो ओजोन मॉलिक्यूल है उसके साथ ओजोन मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्ट कैसे किया कि जो ओजोन मॉलिक्यूल था यानी कि ये था इसको ब्रेक किया पहले तो एज अ कैटलिस्ट इसके साथ बॉन्ड हुआ और इसने फॉर्म किया सी एल ओ प्लस ओ टू तो इसने इस तरीके से इसको तोड़ दिया मॉलिक्यूल्स में यानी कि एक फॉर्म किया इसने सी एल ओ और एक इसने किया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म अब बाद में क्या हुआ कि एक्टिव स्टेप थर्ड क्या है इसकी कि एक्टिव क्लोरीन एटम ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल के साथ ओजोन uh, मॉलिक्यूल को तो पहले तोड़ दिया और उसके बाद इससे बाइंड हो गया कोजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन और इसी ने क्या किया ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया मोर वायलेट अल्ट्रा वायोलेट रेज रीच द अर्थ रिएटनिंग ह्यूमन हेल्थ अब जितनी ज़्यादा जो है यूवी रेज अर्थ तक पहुँचेगी अगर इसका डिप्लीशन हो जाएगा तो ज़्यादा रेज जो है वो अर्थ तक पहुंचेगी अब जब ज्यादा रेज अर्थ तक पहुंचेगी तो क्या होगा कि ये यूवी रेडिएशन जो है ह्यूमन डिजीजेस कोज करने लगेंगे और ये थ्रेट कोज करेंगे कि गार्बेज डिस्पोजल कैसे होता है तो इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल्स मटेरियल्स हमने बोला कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो वेस्ट क्रिएट कर रही है तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है क्रिएट हो रहा है अब क्रिएट हो रहा है तो इसको ट्रीट करने की भी जरूरत पड़ेगी अब जो वेस्ट है वेस्ट दो तरह का होता है हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज यानी कि दो तरह के मटेरियल होते हैं एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने किसको बोला कि जो नेचुरल सब्सटेंस है जिनको हम यूज़ कर रहे हैं और वापस से वो नेचर में अगर यूटिलाइज हो रहे हैं या नेचर उसको वापस से अपने पास ले पा रहा है तो उसको हमने बोल दिया बायोडिग्रेडेबल कैन बी बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या अब एग्जाम्पल देखें कि डेड ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है या एनिमल्स है तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वापस नेचर तक पहुंचा देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर देते हैं यानी कि जो डी uh, कम्पोजर्स क्या होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स uh, कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब ये डिकम्पोज uh, करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स uh, कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस नेचर की चीजें नेचर तक पहुंच जाएंगी एग्जांपल हो गया फ्रूट वेजिटेबल्स पील्स कॉटन जूट डंग पेपर एक्सेट्रा ये डाइग्राम है वेजिटेबल्स फ्रूट्स टेबल तो ये सब क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होगा हमने बायोडिग्रेडेबल बोला था जिसको हम वापिस से यूज कर पा रहे थे या फिर जो किसी ना किसी यूज में आ रहा था अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जिसको आप दूसरी चीज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो दूसरी चीज में यूज नहीं कर पा रहे हो बस उसको एक चीज से या जिसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हो डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हो तो ये ये चीज वो वेस्टेज मतलब जिसको आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन उसको आप वापस नेचर को नहीं पहुंचा पा रहे हो तो सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तो उनको हमने बोल दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया प्लास्टिक हो गया पॉलिथीन हो गया मेटल हो गया सिंथेटिक फाइबर्स हो गया रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया पेस्टिसाइड्स है तो इन सब को तो क्या है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर प्लास्टिक की बात करें तो इसको पॉलीथींस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या किसी और पॉलीथींस को भी हम मेल्ट मतलब प्लास्टिक है तो उसको मेल्ट कर सकते हैं तो किसी भी कंटेनर को फॉर्म करने में उसको यूज़ कर सकते हैं अगर हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो ये केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन ये वेस्ट है तो ये दूसरी चीज़ को भी पॉल्यूट करता है तो नेक्स्ट है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज एंजाइम्स ऑर्गेनिज्मिकम्पोज मेटीरियल बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट्स एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटेरियल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इसको डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को कि ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे वो एंजाइम्स जो है एज अ केटेलिस्ट वर्क करेंगे अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं ये क्या है हर रिएक्शन में लाइक like कोई एग्जाइम एंजाइम है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए उसको कैटेलाइज कर रहा है या उसकी एक्टिविटी को घटा बढ़ा रहा है तो वो एक रिएक्शन के लिए ही काम करेगा ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रिएक्शन के लिए भी काम कर सकता है कोई पर्टिकुलर एंजाइम सिर्फ स्पेसिफिक होता है हर रिएक्शन के लिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिकम्पोज नहीं कर सकता ये लिमिटेड अमाउंट में ही डिकम्पोज करेगा तो इस वजह से क्या होता है एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मेटीरियल इस वजह से जो है सारा मेटीरियल जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता है नेक्स्ट है मैथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अब वेस्ट है तो वेस्ट को ट्रीट करने की भी जरूरत है या उनको किसी यूज में लेने की जरूरत है अब वेस्ट क्रिएट हो रहा है तो यह तो है नहीं कि उसको कलेक्ट करते जाएंगे कलेक्ट करते जाएंगे अगर ऐसा होगा तो फिर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा इन्वायरमेंट का तो फर्स्ट हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है बायोगैस बायो प्लांट तो जो डंग होता है यानी कि जो काउ का एक्सक्रीट होता है या फीसेस होता है तो उसको क्या किया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट किया उसका और उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यूज़ किया तो यहाँ क्या हो रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन बायोगैस प्लांट ये जो आपको दिखा रखा है डायग्राम में ये है बायोगैस प्लांट यहाँ क्या हो रहा है कि जो डंग है डंग को इसके अंदर पुट किया जा रहा है और उसको एज अ uh, जो है एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन बायोगेस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर अब ये क्या होता है कि बायोगेस तो हमने बोला मीथेन को मीथेन जो होती है वो होती है बायोगेस या जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये होता है गोबर गैस तो so, बायो जो गोबर गैस है गोबर गैस को तो हमने एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या कुछ आ, कुछ और जिसमें भी यूज़ आती है एनर्जी उसमें या एज अ मैन्योर हमने इसको यूज़ किया मैन्योर किसको बोला हमने मैन्योर बोला है यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं तो ये मैन्योर जो है ये क्रॉप फील्ड में हेल्प करता है नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल अब वेस्ट डिस्पोजल के जो आ, ये वेस्ट वे, वेस्ट डिस्पोजल है इसमें जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम बोलते हैं सीवेज क्या है फीसेस जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है या फिर जो एनिमल्स एक्सक्रीटा है उसको हमने बोला फीसेस तो ये क्या करता है कि वाटर को पॉल्यूट करता है जब वाटर में फ्लो कर जाता है तो क्या होता है द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू रिवर्स तो ये जब जिससे पहले कि फ्लो करें ये रिवर्स में उससे पहले इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो है हमारे तीन तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्चरी ट्रीटमेंट जब ये तीनों ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ये वाटर जो है सीवेज वाटर उसको रिलीज किया जाता है रिवर्स में अगर वेस्ट वाटर की बात करें तो वेस्ट वाटर को जो है यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि रॉ रॉ वाटर आया यहाँ काग्यूलेन कोगुलेंट्स जो है वो एड किए कोगुलेशन हुआ उसका फिर फ्लोकुलेशन हुआ सेडिमेंटेशन हुआ सेडिमेंटेशन में सारे जो पार्टिकल्स से है वो सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद फिल्ट्रेशन हुआ तो यहाँ पे जब फिल्ट्रे, फिल्ट्रेट किया वाटर को तो उसमें डिसइंफेक्शन जो है वो डाल दिए ताकि डिसइंफेक्शन नहीं हो ड इन्फेक्टेंट्स डाल दिए उसके बाद क्या है कि जब ये ट्रीट हो गया वाटर उसके बाद इनको होम में रिलीज किया जाता है होम एक्टिविटीज के कंजप्शन के लिए नेक्स्ट है लैंड फिलिंग जो थर्ड यूज वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है वो है लैंड फिलिंग अब लैंड फिलिंग क्या होती है कि जो लैंड है लैंड में बहुत बड़ा पिट क्रिएट कर दिया यानी कि खड्ढा कर दिया और उसमें जो है वेस्ट को डाल दिया द वेस्ट आर ब्यूरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड कॉम्पेक्टेड बाई रोलिंग विद बुल्डोज तो बुल्डोजर्स की हेल्प से उस लैंड लैंड पिट में डाल दिया ना है आपने कोई पिट क्रिएट किया लैंड के अंदर या किसी गार्डन एरिया में तो उसके अंदर वेस्ट डाल दिया ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अम्पोस्ट पिट एंड कवर्ड विदर ऑफ सोइल और उसको कवर कर दिया सोइल की लेयर से तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वो जो वेस्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योरस में आफ्टर अबाउट थ्री मंथ्स गार्बेज चेंजेस टू मेन्योर अब जब मेन्यर में चेंज हो गया तो वो भी किस किसी में कंजप्शन के लिए काम आ जाएगा यानी कि एग्रीकल्चर में काम आ जाएगा नेक्स्ट है रिसाइकलिंग अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू आइटम्स जैसा कि मैंने बोला कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको हम न्यू आइटम्स बनाने में रियूज़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट है कि रियूज़ uh, क्या होता है कि रियूज़ हम रियूज़ में जैसे कि हमने बोला कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनाने में यूज़ कर दिया तो रियूज इट इज़ अ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज एन आइटम अगेन तो यहाँ पे एक ही चीज़ को दोबारा यूटिलाइज कर रहे हैं इसके बाद क्या होगा अब जब चीज़ों को हमने रीयूज़ भी कर लिया रिसाइकिल भी कर लिया तो उसके बाद क्या होगा कि वेस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है कि रिसाइकल रियूज देन रिड्यूस तो इस तरीके से चीज़ें जो वेस्ट है वो डिक्रीज किया जाता है और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्ट क्रिएट हो रहा है उसको ट्रीट किया जाता है सो so, यहाँ हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश होता है और हमारा जो ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है सो so, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं इस लेक्चर में हमने पढ़ा वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो रहा है वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स क्या हैं और वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है वेस्ट कैसे क्रिएट हो रहा है तो थैंक यू गाइज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसके एक्सरसाइज क्या हैं और हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे थैंक यू